प्रमोशन किसे नहीं चाहिए, हर नौकरीशुदा व्यक्ति को तरक्की का इंतजार रहता है। इसे पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता, दिन रात एक कर काम करता है। लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट भी अपनाते हैं, कोई बॉस का चहेता बनने की कोशिश करता है तो कोई सीनियर कलीग के खिलाफ साजिश रचने लगता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक TTE ने कथित रूप से टूंडला रेलवे स्टेशन के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट यानी CIT को महिला से अभद्र व्यवहार करने के मामले में फंसाने की साजिश रची। आरोप है कि उसने ऐसा प्रमोशन पाने के लिए किया। आज तक के रिपोर्टर सुधीर शर्मा के मुताबिक टूंडला रेलवे स्टेशन पर कार्यरत TTE देवेंद्र दीक्षित ने CIT भूर सिंह मीना के खिलाफ ये कथित साजिश रची। इसमें उसने अपने दो TTE साथियों दुर्गेश और कुलदीप और एटा की एक महिला की मदद ली। खबर के मुताबिक साजिश के तहत महिला ने वर्तमान चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट भूर सिंह मीना पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीती 5 अगस्त को उससे अभद्रता की थी। महिला ने खुद का वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा। इसमें उसने ये भी कहा कि CIT ने उसे हाथ पकड़कर बिठाया और उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया। महिला के आरोप लगाने के अगले दिन यानी 6 अगस्त को CIT भूर सिंह मीना ने रेलवे पुलिस में अपने खिलाफ साजिश होने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जांच करते हुए रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने पाया कि TTE देवेंद्र दीक्षित ने इस षड्यंत्र को रचा है। इसमें TTE कुलदीप व दुर्गेश के अलावा एक महिला भी शामिल है। रिपोर्टर सुधीर शर्मा के मुताबिक पुलिस ने कुलदीप व दुर्गेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आ गया। पता चला कि साजिश प्रमोशन के लिए रची गई थी। फिलहाल पुलिस ने दुर्गेश और कुलदीप दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुख्य आरोपी देवेंद्र दीक्षित और महिला फरार है। इस बीच तीनों TTE को पद से निलंबित कर दिया गया है। खबर के मुताबिक आरोपियों की व्हाट्सएप चैट से इस साजिश का पता चला। पुलिस के अनुसार उसने कुलदीप और दुर्गेश के जब्त किए गए मोबाइलों की व्हाट्सएप चैट खंगाली थी। इसमें CIT को हटाने की कथित साजिश के साथ साथ एटा की महिला का भी जिक्र था। इसी के आधार पर जांच की गई और मामले की पूरी गुत्थी सुलझ गई। पुलिस की ओर से की गई जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र दीक्षित CIT बनना चाहता था। उसने वर्तमान CIT भूर सिंह मीना को अपने रास्ते से हटाने का सोचा। इसके लिए उसने साजिश रची ताकि खुद CIT बन सके। रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव ने आज तक से बातचीत में कहा कि आरोपी देवेंद्र दीक्षित के खिलाफ अलग से जांच चल रही है और उसकी तलाश जारी है। वहीं रेलवे पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि मामले की काफी जाँच की गई जिसके बाद ही दोनों TTE की गिरफ्तारी हुई है। उनके मुताबिक दोनों के बयानों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि CIT भूर सिंह मीना को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।